हरियाणा के अंबाला शहर में भाजपा का कुनबा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जहां भाजपा को आम जन का समर्थन मिल रहा है, वहीं अब सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्षद भी भाजपा का दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में आज अंबाला शहर के वार्ड नंबर 18 और वार्ड नंबर 2 से पार्षद सरदुल सिंह और विक्रम फकीर चंद भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री असीम गोयल ने दोनों पार्षद व उनके समर्थकों का भाजपा में पटका पहनाकर स्वागत किया। भाजपा में शामिल होने के बाद पार्षद सरदुल सिंह ने कहा कि मंत्री असीम गोयल की कार्यशैली से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा का दामन थामा है और वो पूरी मेहनत करेंगे और तीसरी बार भी अंबाला से मंत्री असीम गोयल को विधानसभा चुनाव में विजयी बनाएंगे। आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे शहर से विधायक हैं बड़े भाई श्री असीम गोयल जी की जो कार्यशैली है और जो शहर के अंदर शासन काल चल रहा है उससे प्रभावित होकर कर आज हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और अपने तन मन से पूरी जियो जान से मेहनत लगाकर विधायक जी को तीसरी बार विजय बनाएंगे। ये हमारा आपसे संकल्प लेते हैं आज से हम। पार्षद विक्रम फकीर चंद ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को देखते हुए उन्होंने भाजपा का दामन थामा है और वो भाजपा में शामिल होकर पूरे तन मन से लोगों की सेवा करेंगे और मंत्री असीम गोयल को तीसरी बार भी विधानसभा चुनाव में विजयी बनाएंगे। देखिए आज श्री असीम गोयल जी के निवास स्थान पर जो है हमने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है और बीजेपी की कार्यशैली को देखते हुए और इनके कार्यकाल को देखते हुए जो हमने और हमारे जो कार्य जो है रुके हुए हैं उनको पूरा करने के लिए जो है हमने बीजेपी का दामन थामा है और इसी तरह जो है हम तन मन धन से जो है इसकी सेवा करेंगे और असीम गोयल जी को तीसरी बार जो है विधायक बनाएंगे। फिलहाल आप किसका साथ देंगे हमें कमेंट में बताएं। अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।